वनडे विश्व कप 2023 में भारत का 8वां मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ है। इस मैच में भारतीय टीम जीत हासिल कर अपना विजयी रथ जारी रखते हुए लगातार 8वीं जीत दर्ज करना चाहेंगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की कोशिश जीत हासिल कर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचने की होगी। दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन दोनों टीमों के बीच जंग खुद को सबसे बेहतर टीम साबित करने पर होगी। भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पूरे विश्व कप से बाहर हो चुके हैं और भारत के लिए यह खबर चिंता बढ़ाने वाली है। हार्दिक बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में चोटिल हुए थे और उनके जाने के बाद टीम में जगह बनाने वाले मोहम्मद शमी ने लाजवाब प्रदर्शन किया है। 3 मुकाबलों में 14 विकेट लेकर शमी भारतीय गेंदबाज की जान बन हुए हैं, लेकिन टीम इंडिया का संतुलन ठीक नहीं है। मौजूदा समय में भारतीय टीम 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाजों के साथ खेल रही है। ऐसे में किसी मुकाबले के दौरान किसी भी गेंदबाज को चोट लगने या किसी गेंदबाज का खराब दिन होने पर भारत मुश्किल में फंस सकता है। विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में 6ठे गेंदबाज का होना बेहद जरूरी है। ऐसे में रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ टीम के बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं। भारतीय टीम सिर्फ श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें टीम से बाहर किया जा सकता है। इनके बाहर आने पर रविचंद्र अश्विन या शार्दुल ठाकुर को मौका मिल सकता है। ये दोनों गेंदबाजी के साथ थोड़ी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वहीं मध्यम क्रम में ईशान किशन को भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और ईशान किशन को टीम में मैनेजमेंट मौका देना चाहेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर वह सेमीफाइनल और फाइनल मैच से पहले लय में रहे। मैच से पहले कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर और विराट कोहली गेंदबाजी कर सकते हैं। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि वह फिलहाल टीम में कोई बदलाव करने के मूड में नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो नीदरलैंड के खिलाफ चौंकाने वाली हार के बाद यह टीम लगातार 4 मैच जीत चुकी है। अफ्रीका टीम बेहद संतुलित है और अपने विजयी दल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम किसी भी बदलाव की संभावना नहीं है।